हाय गाइस, आई एम डॉक्टर दिवाकर राय, बीएमएससीएमएस गांधीनगर, रसशास्त्र चैप्टर सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रसशास्त्र और मैसेज जगह। ठीक है, इसके 90 नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? हमारा जो टेलीग्राम चैनल है द आयुर्वेदिक क्लासेस, वहाँ पे मिलेगा। आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, वो टेलीग्राम से डाउनलोड करोगे आपके फ़ोन में भी आएंगे। मैंने उसमें प्राइवेसी कोई लगा के नहीं रखा। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। अब क्या है कि इसमें हम स्पेसिफिक पॉइंट्स को डील करेंगे। क्या होता है पहले, अभी तो अपन लोग फार्मेसी यूनिट बनाते हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फार्मेसी यूनिट बनाते हैं। वैसे पहले के टाइम में जो ऋषि मुनि थे या फिर जो पहले के जो डॉक्टर्स थे या फिर आचार्य थे, वो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाते थे। तो वो छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे कि सबसे पहला कि वो एरिया को सिलेक्ट करते थे, दूसरा कि भैसागर बना जो रसाला बनाना है उसके लिए स्पेशल प्लान बनाते थे, फिर उसका इंटरनल अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए। रस वहाँ पे जो आइडियल टीचर जो शास्त्र आचार्य होंगे उनको अपॉइंट करना, शिष्य आइडियल स्टूडेंट को रखना, वर्ज्य स्टूडेंट को दूर रखना, योग्य परिचारिका लक्षण जो वहाँ पे जो अटेंडेंट होगी वो कैसी होगी उसका ध्यान रखना है, पाक मर्गना उसको कैसा रखना है, ड्रग कीपर जो मेडिसिन को रखने वाला है, जैसे दुकान का शॉपकीपर होता है जैसे ड्रग कीपर होता है, मेडिसिन को कहाँ कैसे मतलब अच्छे से अरेंज करके रखने वाला चाहिए, उसके ड्रॉ मटेरियल उसको कैसे स्टोर करेंगे और मॉडर्न फार्मेसी को कैसे प्लान करेंगे। हम इन सब चीज़ों को हम बात करेंगे जिसमें इतने चीज़ों का ध्यान पहले के लोग करते थे, लेकिन नया अभी आया प्लान ऑफ फार्मेसी जो मॉडर्न फार्मेसी हम लोग बनाते हैं, इतने चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, प्लान करते थे पहले उसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, सिलेक्टेड एरिया। ये आपको खुद पता है, कोई भी एरिया अगर हम किसी चीज़ को बनाएंगे तो एरिया कैसे सेलेक्ट करेंगे। आप पहला मैं कुछ पार पॉइंट्स आपको रिकॉल कराता हूँ, आप खुद बताओगे कि वो एरिया कैसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले बताओ कि जैसे रसशास्त्र बनाना है, रसाला बनाना है, क्या बनाना है, फार्मेसी बनाना है, तो हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, मेडिसिन की। तो ऐसा इलाका सिलेक्ट करेंगे जहाँ से मेडिसिन का ट्रांसपोर्टेशन खर्च वगैरह कम लगे, तुरंत मेडिसिन मिल जाए। तो उपवन प्रदेश लेंगे, उपवन प्रदेश मतलब शेयरिंग लैंड, वैसा खाली जगह या वैसा उपजाऊ जगह लेंगे जहाँ पे आसानी से हर्बल ड्रग्स को हम उपजा सके। ठीक है, दूसरा शहर से दूर होना चाहिए, कोलाहल वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरी सबसे अच्छी चीज़ की वेंटिलेशन, जो मतलब क्या है कि वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए। चौथा सबसे बड़ी चीज़ क्या होनी चाहिए कि जो शांत और अच्छे जगह होनी चाहिए। ठीक है, वाटर और सारा सुविधा वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, वैसे जगह पे हम क्या करेंगे, एरिया को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये चार पांच पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या करना है, भैसज का जो प्लान हम कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें कुछ या तो आप फेवर एग्जाम में पूछे गए, एक क्वेश्चन तो चैप्टर से फिक्स है, एक्सप्लेन द रसशाला या रसशाला को एक्सप्लेन कीजिए, 10 मार्क्स में पूछे जाएंगे, आपको सारी चीज़ लिखनी पड़ेगी। जो फ्लो चार्ट में मैंने बताया वो सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको। इसमें क्या है, प्लान ऑफ रसशाला में संकर पूर्वाद विभाग पूर्व विभाग स्थापित दो ऋषभ जगनी, मतलब क्या, भगवान शंकर की जो मूर्ति है ना उसकी स्थापना करना है। किस डायरेक्शन में, पूर्व डायरेक्शन में, किस में, पूर्व दिशा में जो है ना उसमें भगवान शंकर की मूर्ति को स्थापित करना है। ठीक है, रसशाला में। दूसरा अग्न्य बाह्य कार्यान्य, मतलब कि अग्नि का कार्य जैसे कोई या फिर कुकिंग पकाने का काम करना है या जलाने का काम है, जैसे कि मारन प्रोसेस होती है रसशास्त्र की, मारन क्रिया करना या फिर भस्म बनाना हो, जितने भी जलाने का कार्य हो वो किधर करेंगे हम लोग, साउथ और ईस्ट डायरेक्शन, किधर, साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में क्या करेंगे, जलाने की क्रिया करेंगे। ठीक है, वाय कार्यानि तो हो गया अग्नि वाय कार्यानि, मतलब अग्नि का जो भी कार्य होगा, जलाने का, पकाने का, भस्म बनाने का या कोई भी काम जो अग्नि से रिलेटेड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट आता है याम्य, याम्य ये मतलब दिशा होता है, याम्य मतलब साउथ दिशा को याम्य बोलते हैं संस्कृत में। प्रशस्त्र कृत्य कम, मतलब प्रशस्त्र कृत्य मतलब जो पाषण कर्म होता है, क्या कर्म होता है, पाषण कर्म, पाषण कर्म का मतलब होता है ग्राइंडिंग करना, ट्रिंचरिंग करना, ठीक है, थूरना, कूटना, जो भी टुकड़ा टुकड़ा करना, ये सब जो काम होगा वो किस तरह किस डायरेक्शन में करना है, याम्य डायरेक्शन में करना है। ठीक है, यानी पाषण कर्म, पाउंडिंग, ग्राइंडिंग वगैरह ये सब करना किधर, तो याम्य डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, शास्त्र कृत्यंतु नैऋत्य, मतलब शास्त्र कृतियंतु, मतलब शास्त्र कृतियंतु मतलब क्या होता है, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट से कटिंग करना, टीयरिंग करना या फिर स्क्रैपिंग करना, ये सब जो शास्त्र जो इंस्ट्रूमेंट से जो करना है ना, शार्प इंस्ट्रूमेंट से, उसको नैऋत्य डायरेक्शन, मतलब नैऋत्य बोले तो साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन में करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, छलानिदिनी बारुणी,
वारुण मतलब कि छलानी, छलानी का मतलब नेत्र पक्ष छलाना, छलाना का मतलब होता है धोना, वाश करना, वाटर से जो वाश उस करने का जो कुछ भी काम होगा, जो धोने का काम होगा, ठीक है, वाश मतलब क्या होता है, वाशरूम का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, वेस्ट डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। उसके माये शोषणम, शोषण का मतलब होता है क्या, सुखाना, सुखाना का मतलब क्या होता है, सुखा देना, मतलब कि जो ड्राई करना, कोई भी ड्रग्स है ना उसको हम ड्राई करने का काम करेंगे, वो किधर, नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है, बाय बाय डायरेक्शन में। उसके शास्त्रम उत्तर यंत्र रक्षणा, जो इंस्ट्रूमेंट हमारा हो गया, मान लीजिए उसको प्रिपेयर करना है या उसमें किसी तरह का खराबी आ गया, जो हम रसशाला में जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसको हम किस डायरेक्शन में बनाएंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में बनाएंगे, ठीक है, और उसमें अगर कोई तरह खराबी हो गया तो रिपेयरिंग करने के लिए हम उसी डायरेक्शन में, ऐसा कहा है आचार्य। निध्याधीश को ने तू रस साधन मूलक, मतलब निध्याधीश मतलब क्या होता है, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में क्या करना है, जितने भी पारद हो या फिर कोई भी मेटल का जो शोधन करना है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में करना है। मुख्य उपकरणम न नित्य कृत्यम समागतम, जितने भी उपकरण है ना उसको मतलब क्या स्टेबल करके रखना है, जैसे ये सब फॉलो करना है, इस तरह का प्लान बनाकर इस तरह से हमको क्या बनाना है, हमें रसशाला बनाना है, ठीक है। उसके बाद इंटरनल अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, देखो आप ये सब कुछ बताओ, इंटरनल अरेंजमेंट में ये सब अपने जगह होनी चाहिए, किसके डायरेक्शन में कौन कौन होना चाहिए, ये तो हो गया। दूसरी चीज है जो अंदर में जो रसशाला के इंटरनल में अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, जैसे खल यंत्र है, उलू खल यंत्र है, ढोल यंत्र है या डालन यंत्र है, ठीक है, या फिर जो डंग काऊ डंग हो गया, ठीक है, या घास फूस हो गया, ठीक है, या फिर जो औषधि हो गया, मेडिसिन हो गई, वो क्या प्रॉपर प्रॉपर साइट पे हमें रखना होगा, ठीक है, ताकि उस मेडिसिन या ड्रग्स सबको सब जगह प्रॉपर प्रॉपर साइट, या रॉ मटेरियल है उसको प्रॉपर साइट में रखना होगा, ठीक है, सब एकदम सुसज्जित करके रखना होगा, ये इंटरनल अरेंजमेंट होना चाहिए। उसके बाद जो मेडिसिन बना है, तो मेडिसिन बना है तो उसको प्रिजर्व करने के लिए जो बर्तन चाहिए, कपड़े चाहिए, या छानने के लिए जो क्या बोलते हैं उसको, जो छलनी चाहिए होता है, या फिर उसको बोलते हैं क्या क्रिसिबल बोलते हैं, तो वो सब चीज़ होना चाहिए, ठीक है। जो मतलब सेब पोर होना चाहिए, जो छाननी होती है, वो सब कुछ क्या होना चाहिए, व्यवस्थित करके इंटरनल अरेंजमेंट में होना चाहिए, ठीक है। गैस का पॉट्स होना चाहिए, बर्तन होना चाहिए, जो कुछ भी जो फार्मेसी में इंटरनल अरेंजमेंट में जो चाहिए वो सब कुछ हमें इंटरनल अरेंजमेंट में ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि रसशास्त्र स्वरूप, ठीक है। अब रसशास्त्र स्वर जो रसशास्त्र स्वरूप क्या होता है, जो आचार्य होते हैं ना उनके स्वरूप की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम लोग, रसशास्त्र आचार्य स्वरूप, गलत यहाँ पे लिखा गया, रसशास्त्र आचार्य स्वरूप, रसशास्त्र आचार्य स्वरूप की बात करें तो आपको ध्यान रखना है क्या, जो टीचर होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, जो रसशास्त्र में जो आचार्य होते हैं, उसको सदाचार, सदाचार जिनका जो विचार अच्छा हो, ठीक है, सुचरित, मतलब कि उनका अच्छा सा प्रोफेशनल एफिशिएंसी हो, नॉवेल एफिशिएंसी हो, मतलब क्या हो कि मतलब समदर्शी सदा से, मतलब क्या हो, सब मतलब नॉव क्या बोलते हैं, जैसे कि वो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो उसका, सुचरित समदर्शी सदा से मतलब क्या हो गया कि जो मतलब कहते हैं कि नॉबल इंटेंशन अच्छा हो, शास्त्र रसशास्त्र का नॉबल इंटेंशन अच्छा हो, ठीक है, सत्यवादी हो, सत्यवादी का मतलब होता है क्या, जो सत्य बोले, हमेशा सत्य बोले ना, सिद्ध मंत्र मतलब कि सर्वदा सिर्फ सिद्ध मंत्र हो, उनको क्या हो मतलब खुद को मतलब क्या खुद पे कंट्रोल हो, ठीक है, सर्वदा शंकर प्रिय हो, भगवान शिव को बहुत मतलब लाइक करते हो, मतलब गॉड लविंग हो, ऐसा पर्सन हो, ठीक है। धीरो बीर मतलब कि कैरेजियस हो, वैलेरियर हो, मतलब ब्रेव हो, ठीक है, स्त्री प्रज्ञ हो, स्टेबल माइंड हो, ठीक है, रस कर्म वीक्षण, उसके पास क्या अच्छा नॉलेज हो, क्या प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए और थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, किसका, रस शास्त्र का। रस तंत्र स्वतंत्र हो, मतलब रस तंत्र जो रस शास्त्र है ना उसका अच्छा मतलब क्या हो, रस तंत्र यस जो इन सब चीजों में जिसमें हो प्रजेंट हो, यस आचार्य प्रशस्त मतलब आचार्य बोलते हैं। अब हम सिंपली जो एग्जाम में हमें क्वेश्चन लोग याद है तो ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन कर लिए हम लोग। अब हम समझेंगे कि जो रसचार्य आचार्य कैसा होना चाहिए, तो पहली चीज उंगली पे गिनते हैं, पहला चीज वो सत्यवादी हो, उसका अच्छा इंटेंशन हो, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो प्रीवियसली, ठीक है। चौथा उनको थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा होना चाहिए, हमेशा सत्य बोले, ठीक है, और शांत हो, अपने माइंड पे कॉन्सेंट्रेट हो, सत्य बोलने वाले हो, ठीक है, और वेल एक्सप्लेंड कर सके, ठीक है, और भगवान को लव मतलब गॉड में विश्वास रखते हो, इतना कैरेक्टर होना चाहिए रसशास्त्र आचार्य का। उसके शिष्य स्वरूप मतलब आइडियल स्टूडेंट, अब सोचो आइडियल स्टूडेंट कैसा होगा, पहला वो नीट एंड क्लीन रहने वाला होगा,
शांत होगा, उसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा, ठीक है, और वो सत्य बोलता हो, ठीक है, हार्ड वर्किंग हो, बहादुर हो यानी ब्रेव पर्सन होना चाहिए, ठीक है, और गुड लर्नर हो, अच्छे से वो सीखे और क्विक लर्न कर सके, ये आइडियल स्टूडेंट का कैरेक्टर हो गया। अब बर्जे शिष्य है मतलब क्या, वैसा शिष्य जिसको हमको ना रसशास्त्र में घुसने नहीं देना है, वैसे शिष्य को बोलते। तो कैसा हो, जो तोड़ फोड़ करता हो, सीखना नहीं चाहता हो, और जो अच्छा शिष्य क्या टीचर पे भरोसा करता है, लेकिन खराब शिष्य भरोसा नहीं करता, वो सब चीज़ को तोड़ फोड़ करता हो, सीखना नहीं चाहता, वो सबको हमें रसशास्त्र में नहीं जाने जाए। योग्य परिचारिका लक्षण, योग्य परिचारिका मतलब अटेंडेंट होता है, योग्य परिचारिका, देखिए योग्य परिचारिका, ठीक है, हम थोड़ा सा मिटा लेते ताकि समझाने बने, योग्य परिचारिका, पहली चीज वो क्या, नीट एंड क्लीन हाइजीन मेंटेन करने के लिए, क्योंकि रसशास्त्र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, उसको साफ सफाई मेंटेन करना ताकि इन्फेक्शन ना लगे, मेडिसिन जो बनाए वो अच्छे से रहे। तो पहला नीट एंड क्लीन हो, हाइजीन को मेंटेन करे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, और ब्रेव होना चाहिए, ठीक है, और नॉलेजफुल होना चाहिए, ठीक है, और जो रसशास्त्र का उसके पास वेल फुल नॉलेज होना चाहिए, वो आइडियल परिचारिका हो जाएगी। ये पांच बातें सिर्फ याद रखना है, ठीक है। पहला बात क्या रखना है, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, दूसरा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, तीसरा वो क्या उसको रसशास्त्र का अच्छे से नॉलेज होने चाहिए, चौथी चीज़ वो ब्रेव होना चाहिए, ठीक है, और स्किलफुल और होनेस्ट होना चाहिए, ठीक है, और छठी चीज़ को हाइजीन को मेंटेन करें, ये चीज़ें याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, पाक कर्म घन, मतलब जो पाकशाला उसका असिस्टेंट कैसा होना चाहिए, तो पाकशाला का असिस्टेंट कैसा होना चाहिए, पहली चीज़ जो पाकशाला का असिस्टेंट मतलब कि पकाने अग्नि से रिलेटेड उसका काम होना है ना, तो क्या वो ध्यान से उसे रखे, साफ सफाई का विशेष कर ध्यान रखे, हाइजीन को विशेष कर रखे, ठीक है, और हमेशा वो सच्चे बोलता हो, ठीक है, वो भगवान पे विश्वास रखने वाले हो, ठीक है, अपने माइंड पे कंट्रोल रखेगा, पता चले अग्नि जला रहा कुछ कुछ जल्दी जल्दी कर रहा है, डरता हो, जल्दी हर बढ़ता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो क्विक लर्नर हो चाहिए, कोई भी चीज़ उसको सिखाया जाए। तो पाँच बातें इसको याद रखना, पहला जो पाकशाला का जो असिस्टेंट होगा ना, हाइजीन को मेंटेन करेगा, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेगा, दूसरा गुड लर्नर होना चाहिए, क्विक लर्नर होना चाहिए, हमेशा सत्य बोलता हो, भगवान में विश्वास रखता हो, और क्या होना चाहिए, उसके माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए, ये चार बातें आपको ध्यान रखना है। ड्रग कीपर को समझ लो शॉपकीपर, अच्छा दुकानदार कौन होगा ये बता दो, जो उसके पास क्या हो, एक्सपीरियंस्ड हो, कुछ टाइम का एक्सपीरियंस्ड हो, जैसे कि कैसे बोलते हैं दुकान वाला, मतलब कुछ चाहिए कुछ, लेकिन कुछ और भी देके भेज दे, वैसा सलाह बोलते उसको दुकान वाला, तो क्या अच्छे से समझाने वाला हो, उसके पास एक्सपीरियंस हो, पहले से काम करने का पहले से एक्सपीरियंस हो, बात करने का तरीका अच्छा हो, अच्छे से हैंडल कर सके, शांत स्वभाव का हो, चेहरे पर मुस्कान रखता हो, वैसे लोगों के पास जाएंगे ना, जिसका व्यवहार अच्छा होता है उसी का ही दुकान चलता है, तो वैसा ड्रग कीपर होना चाहिए। फिर लास्ट आता है स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, देखिए कोई भी रॉ मटेरियल हमारे पास आता है ना, अब नेक्स्ट लास्ट बात करेंगे किसका, स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल का, ठीक है। तो देखिए स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, देखिए स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल में क्या है, कोई भी हम रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे तो उसका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको पूरा अच्छे से स्टोरेज करना पड़ेगा, तो कुछ दिन में खराब हो जाएगा, सो कपड़े या फिर कोई यंत्र हो, इंस्ट्रूमेंट हो, या फिर बर्तन में पैक करके, या फिर लकड़ी के बर्तन में, लकड़ी का पहले टाइम में बर्तन होता था, अभी तो जार होता है, जार बजट होता है, तो जार में या फिर शीशे का बर्तन होता है मैक्सिममली, तो उसमें लेड का बर्तन होता है, उसमें प्रॉपरली स्टोरेज करते हैं, डोल यंत्र में लटका के रखते हैं, कपड़े में बांध करके हुक में लटका करके, मतलब स्पेसिफिक प्रिजर्वेटिव के साथ जो जितने भी रॉ मटेरियल है उसको हम प्रिजर्व करने का विशेषकर हम ध्यान रखेंगे, ठीक है, जैसे कि कोई भी जैसे फिक्स करके रखेंगे, और डायरेक्शन का विशेषकर ध्यान रखेंगे, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में जितने भी प्रिजर्वेटिव ड्रग्स हैं जो रॉ मटेरियल को हम स्टोरेज करेंगे, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि मॉडर्न जो फॉर्मेशन, लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर में क्या है वो देखेंगे समझेंगे हम लोग, लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्लान ऑफ मॉडर्न फॉर्मेशन, प्लान ऑफ मॉडर्न फार्मेसी का प्लान हम लोग कैसे करेंगे, देखिए तो ये डिपेंड करता है कि हमको कितना अमाउंट में बनाना है, कितना अमाउंट में हमें मेडिसिन बनाना है, बिल्डिंग ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे कि कम अमाउंट में है, मध्यम अमाउंट में, या फिर लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना है, उस आधार से हम प्लांट्स को बनाएंगे, ठीक है। अब हम एक जो फ्लो चार्ट हम लोग तैयार कर लेते हैं, ठीक है, हमें डायरेक्शन के आधार पर एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं फटाफट, ठीक है, फिर आप हम लोग समझ लेंगे फटाक से, इस तरह का बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग पता है उसको डायरेक्ट जो पुराने हैं उसी से हम लोग समझेंगे, ठीक है।
रॉ ड्रग्स को जो रॉ मटेरियल है, रॉ ड्रग्स है, उसको क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे। कहाँ करेंगे स्टोरेज? यहाँ पे हम स्टोरेज करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या है, जो वाशिंग करने का, वाशिंग और सॉपिंग, किसी भी बर्तन या फिर ड्रग्स को क्या करेंगे, धोएंगे और सॉक करेंगे। सॉक करेंगे मतलब सुखाएंगे, सोकिंग सेक्शन बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग ऑफ रॉ ड्रग्स, फिर क्या करेंगे, ड्राइंग सुखाएंगे इसको, रॉ ड्रग्स को, ठीक है, रॉ ड्रग्स को सुखाएंगे, वाश करेंगे और चेंज फ्रॉम वाश और चेंज रूम वर्कर के लिए बनाएंगे, वाश एंड चेंज रूम ऑफ वर्कर, ये अपन बना लेंगे, ठीक है। इतना पहला क्या करेंगे, रॉ ड्रग्स को स्टोरेज करने के लिए बनाएंगे, कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या करना है, वाशिंग और सॉकिंग करना है सेक्शन, उसका ड्राइंग करना है रॉ ड्रग्स को, जो रॉ मटेरियल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन बनाएंगे, ठीक है, इसमें दो पार्ट बना लेते हैं, ठीक है। पहला फिलिंग एंड बोटलिंग सेक्शन, जैसे कोई रॉ ड्रग्स को स्टोरेज कर लिए, उसके बाद इसमें क्या करेंगे, फिलिंग फिलिंग एंड बोटलिंग सेक्शन, बोटलिंग फिलिंग एंड बोटलिंग सेक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन। फिर इसमें बीच में हम क्या यहाँ पे रख लेंगे, कॉन्फ्रेंस हॉल, क्योंकि जितने भी बाहर से लोग आएंगे, चाहे रिसर्चर आएंगे, तो उनके लिए कॉन्फ्रेंस हॉल तो होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बना देंगे क्या, फर्मेंटेशन सेक्शन, क्या बना लेंगे, फर्मेंटेशन सेक्शन, ठीक है। पाउंडिंग एंड पल्वराइजेशन करेंगे, इसमें क्या करेंगे, पाउंडिंग एंड पल्वराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में खाली जगह रख देंगे, बीच में पैसेज भी छोड़ देंगे खाली जगह, ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा मटेरियल हो चाहे कुछ भी हो तो उसको बीच में रख सके, या जाने आने के लिए जगह छोड़ देते हैं पैसेज पे। फिर मेन किलो में क्या होना चाहिए, स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा होना चाहिए, भगवान शिव की मूर्ति होनी चाहिए, और यहाँ पे एंट्रेंस होना चाहिए, एंट्रेंस एंट्रेंस गेट, एंट्रेंस गेट से जैसे घुसेंगे तो लॉर्ड शिवा का स्टैचू मिलेगा, तो हम लोग पूजा वूजा करके जाएंगे। फिर यहाँ पे मनु फैक्ट्री यूनिट लगाएंगे, बिल्कुल मैं एक बार और समझा दूंगा आपको, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिंग ब्लॉक और ऑफिस, ब्लॉक ऑफिस हो गया, ठीक है। इधर पैकेजिंग और लेबलिंग करेंगे, पैकेजिंग और लेबलिंग करेंगे, स्टोरेज ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, डिस्पेंसिंग सेक्शन, समझ लीजिए अच्छे से। एक बार और अच्छे समझा देता हूँ, फिर यह चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल को, तो रॉ मटेरियल को सबसे अंदर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। क्योंकि रॉ मटेरियल को अंदर क्यों रखते हैं, तो एक बार बाहर जाने वाले लोगों को रॉ मटेरियल दिखे नहीं, क्योंकि उसकी कैसी नजर रहती है क्या पता। तो क्या हमारे आयुर्वेद में क्या होता है कि हम लोग लोगों के नजर से भी बचाते हैं, काल को होता है ना कि जो दोषिक नजर वाले होते, कैसे नजर वाले होते, उससे भी बचाते हैं। तो रॉ ड्रग्स को सबसे अंदर वाले रूम में रखेंगे, इस रॉ ड्रग्स को क्या करेंगे, वाशिंग करके सोकिंग करने का सेक्शन करेंगे, यहाँ से वाशिंग सोकिंग करके फिर यहाँ पे ड्राई करेंगे, ड्राई करेंगे रॉ ड्रग्स को, ठीक है। और वाश और चेंज रूम होना चाहिए, यहाँ पे जो वर्कर जो काम किया साफ किया तो वो वाश करेगा, और कपड़े वपड़े में जो गंदा लगा वो चेंज करने के लिए रूम होनी चाहिए। यहाँ से होने के बाद क्या होना चाहिए, ये जो भी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल रखेंगे, यहाँ पे कोई भी लोग बाहरी आए तो उसके लिए, ठीक है। उसके साफ करने के बाद पाउंडिंग एंड पल्वराइजेशन करेगा, फिर फर्मेंटेशन करेगा, यहाँ से जो पैसेज वे से यहाँ आना है,
यहाँ आने के बाद क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन में अगर जरूरी है तो रिसर्च सेक्शन देना, नहीं तो यहाँ पे क्या करना है, फिलिंग एंड बोटलिंग सेक्शन होगा, मतलब बोतल भरना है और पैकिंग करना है, बोतल में भर देना है, ठीक है, बोटलिंग सेक्शन रख देना है, बोतल करने वाला भरने वाला यहाँ पे रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ तो ये पीछे वाला हो गया, यहाँ से एंट्रेंस गेट हो गया, ऐसे एंटर किए, भगवान लॉर्ड शिवा का मूर्ति हुई और पूजा पाठ जिनको करना है करें। उसके बाद इधर है मैनुफैक्चरिंग यूनिट, जो भी यहाँ पे जो भी पल्विजाइजेशन करके ये जो ड्रग्स यहाँ पर था, यहाँ से या तो इधर भेजेंगे फिलिंग बोटलिंग के लिए, या फिर यहाँ पे इसको मैनुफैक्चरिंग यूनिट में सेंड कर दिए, यहाँ से डायरेक्ट मैनुफैक्चरिंग यूनिट में आ जाएगा, यहाँ पे मैनुफैक्चर हो जाएगा, मैनुफैक्चर होने का जो भी प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनने के बाद इसको यहाँ पर लेके आना है, और यहाँ से क्या आपको मतलब बोतल और पैकिंग करने वाला मिल जाएगा, और यहाँ पे पैकेजिंग कर दिए और लेबलिंग कर देंगे इस रूम में। पैकेजिंग लेबलिंग करने के बाद क्या करना है, स्टोरेज और क्या करना है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको स्टोरिंग करना होगा, जो बना हुआ प्रोडक्ट यहाँ पे स्टोरेज कर देंगे और यहाँ से डिस्पेच करके बाहर भेज देंगे, यहाँ पे इस रूम में डिस्पेच करके यहाँ से बेचना है, ठीक है। ड्रग कीपर यहाँ पे होगा, यहाँ से हमें बेचना है और फिर इस गेट से लोग बाहर चले जाएंगे, ठीक है। यही हमारा था रसशास्त्र। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक एंड शेयर कीजिए, और हाँ, इसका हैंड रिटन नोट्स हमारे जो टेलीग्राम चैनल है द आयुर्वेदिक क्लास, वहाँ से जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि उसमें कुछ नई चीज़ें भी आपको मिलेगी, कुछ चीज़ें जो वहाँ पे नहीं समझाया गया वो यहाँ पे समझाया गया, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, देखिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इसे देखेंगे ना उतने लोगों को फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में आरएसबी के प्रोफेसर नहीं है, जिसकी वजह से क्या बहुत बच्चे का एटी केटी आता है और पूरा नॉलेज नहीं ले पाते, और हमें जो खामियाँ आपको दिखे, जो कमी दिखे, वो आप जरूर बताइए, ताकि मैं जब अगली वीडियो जब बनाऊँ तो उसमें कुछ अच्छा करके दूँ। और जहाँ तक कि रहा मेरी बात, तो मैं अपनी तरफ से 100% आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू।